हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सैल है। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों से, तो कुछ नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास वन है, इसकी एक या दो दो तीन क्लासें होंगी, नदियों से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे खत्म हो जाएंगे यहीं से। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी तुम याद कैसे रख सकोगे, देखो इन जून कार रन बिट स्लो, इन जून कार रन बिट स्लो, तो इन से हो जाता है इंडस यानी सिंधु नदी, जून से मतलब झेलम रिवर नदी, चेनाब सी यानी कार से क्या चेनाब रिवर, और रा से रवि नदी, और वी से दास नदी, और सा से क्या हो जाएगा एस से सतलज नदी। ठीक है, अगली नदी देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ इनको कैसे याद रखेंगे, देखो तीस्ता मानस गंगा में बैठकर श्री गए, तीस्ता मानस गंगा में बैठकर श्री गए, तो यहाँ पर तीस्ता से तीस्ता नदी, मानस से मानस नदी, गंगा यहाँ पर ये नोट कर लेना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी गंगा नहीं है, यहाँ पर क्या है गंगाधर नदी, और सीरी से क्या धनसिरी नदी और सुबनसिरी नदी। तो हम इसको कैसे याद रखें ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता मानस गंगा में बैठकर सिरी गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। देखो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, याद कैसे रखेंगे यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, तो ये तुम्हें याद रखने का थोड़ा वो है, या से यमुना नदी, सो से सोन नदी, दा से दामोदर नदी, रा से राम गंगा, सा से शारदा नदी, और का से करनाली नदी, और गा से गंडक नदी। तो यहाँ पर मात्र तीन ही नदियों की सहायक नदियाँ हम बात कर पाएँ, तो सबसे पहले कौन सी थी इन जून कार रन बिट स्लो, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियों की याद रखने की ट्रिक क्या है इन जून कार रन बिट स्लो, और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ क्या है तीस्ता मानस गंगा में बैठकर श्री गए, तीस्ता मानस गंगा में बैठकर श्री गए, और नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो अगर इसी तरह की सात वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लाइव बेसिस डेली इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं घर बैठे इस सात वीडियो को जरूर देखें, दो चार मिनट निकाल के जरूर देखें। जय हिंद।